सो हेलो एवरी वन, वेलकम यू ऑल इन टुडे संडे व्लॉग। तो संडे मोस्ट ऑफ टाइम मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है क्योंकि हफ्ते भर के छुटे कामों को आज के ऑफ डे में मैनेज करना होता है, और आज मेरी हेल्पर भी नहीं थी तो वो जो झाड़ू पोछे वाला एक घंटे का काम था ना, वो भी बढ़ गया था और इन्विटेशन भी एक था। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलते हैं। तो इस डब्बे पे मैंने बना के रखा है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें जौ, चना, मक्का और मंडुआ और पांचवा खुली बाजरा, तो पांच ग्रेन्स में मिला करके मैंने लेकर के मिक्स करके रख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, बढ़िया से बनाते हैं पौष्टिक वाला ब्रेकफास्ट। तो ये मल्टीग्रेन आटा ना इजीली विंटर सीजन पे अवेलेबल हो जाता है, और मैं विंटर सीजन पे अलग अलग 1-1 kg के पैकेट्स लेकर के एक बड़े जार में इसको भर के बना लेती हूँ। तो कभी कभी इसकी रोटियाँ भी अच्छी लगती हैं टेस्टी गर्मा गर्म, और इसके अलावा आप इसका चीला बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी और न्यूट्रिएंट्स है काफ़ी। तो इस बहाने बच्चे इसको खा लेंगे, रोटी खाने में थोड़ा नखरे करते हैं। तो इसमें मैंने पालक को भी ऐड कर लिया है, वॉश करके ब्लांच करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। तो मल्टीग्रेन आटा लिया, उसमें हमने थोड़ा डाल दिया नमक और ये पीसी भी पालक ऐड कर ली। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल चीले में मैं अनियन टमाटो यूज़ करती हूँ, बट इसमें मैंने आज नहीं किया है। थोड़ा सा मैंने अजवाइन के दाने डाले हुए हैं, तो आप इसमें, और धनिया, तो आप इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, और हल्की सी मिर्च आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने चटपटी सी बढ़िया सी चटनी बना ली, हरी चटनी, बाकी बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं तो मैं इसमें मिर्च ऐड नहीं करती हूँ। तो बस चुटकियों में हमारा ये सिंपल टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि जोशी जी का था आज ऑफिस तो इसलिए उनका टिफिन भी रेडी कर दिया और नाश्ते में बनाया हमने ये चीला। तो ये बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट मल्टीग्रेन वाला। थोड़ा सा इसे बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, मिक्स जब रहता है आप बेसन की क्वांटिटी इसमें रख लीजिए, नॉन स्टिक आप पैन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बढ़िया सी चटनी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। तो 8:15 तक जोशी जी निकल गए ऑफिस, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया क्योंकि टिफिन रखना था, तो दाल वाल मैं सुबह ही बना देती हूँ। और ये ना मेरी हैबिट में है क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो दाल सब्जी पराठे रोटी जो भी है मेरा मॉर्निंग बन जाता है। अगर चावल बनाना है तो बस दिन में एक सीटी लगा देती है दादी माँ, और इसके अलावा बाकी सब कुछ रेडी हो जाता है। तो मुझे ना यही कम्फर्टेबल लगता है कि एक तरफ के काम निपट जाते हैं तो फिर बाकी फ्री होकर के मैं बाकी कामों को मैनेज कर पाती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता दे दिया बच्चों को, बूढ़ों को, और इसके बाद क्योंकि मेरी हेल्पर भी आज नहीं आई थी तो काफ़ी एरिया हो जाता है घर में भी, तो लगता है टाइम, तो थोड़ा सा क्लीनिंग मैंने यहाँ पर कर लिया। तो ये रूटीन के ही काम है, और बच्चों के साथ तो जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें पता है कि दिन भर में 10 बार हम इन चीज़ों को समेटते हैं और 10 बार ये चीज़ें फैलती हैं। बच्चों के टॉयज़, सोफे पे बिछे हुए हमारे कवर हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें फैलती रहती हैं। तो एक बार मॉर्निंग पे इसको झाड़ के मैं इसको सेट कर देती हूँ, वो मेड आती है तो वो झाड़ू पोछा सिंपली अपना करके चली जाती है। तो आज वो भी छुट्टी पे है तो फटाक से हम जल्दी से निपटा लेते हैं अपनी ये सफाई का काम भी। और इसके बाद दिन में हमें एक इनविटेशन पे भी जाना है। जनरली मुझे भीड़ भाड़ वैसे भी बहुत कम पसंद है, और बच्चा छोटा है तो ना इसे छोड़ के जाते बनता ना लेके जाते बनता है, तो दूर तो नहीं जाते बट आपके नेबर में बस अगल बगल ही होता है तो आपको जाना ही होता है। तो शादी का फंक्शन था तो वहाँ पर हमें जाना था, तो उसके पहले मैंने सारे काम निपटाने थे, तो मेरा सीक्वेंस में टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम चलते हैं। तो उसके बाद सफाई हो गई हमारी, उसके बाद एक तरफ मैं लॉन्ड्री लगा दे रही हूँ, और कुछ कपड़े हाथ से धुलने थे, वाइट हैं कॉलर वाले, तो मैं जब साबुन लगाती हूँ तो हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ। करते करते 11:30 हो चुका था, और इसने ब्रेकफास्ट किया और एक खेल के आया दादी के साथ बाहर से, तो थक गया था, इसको मैंने चेंज वेंज करवाया और ये उसके बाद सोने लगा। इसके अगले 1.5 से 2 घंटे में उठ गए और ये बजा रहे हैं यहाँ पर गिटार। तो छोटे बच्चों के साथ ना चीज़ों को, कामों को ऑर्गेनाइज़ करना, मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। तो ये जब तक सोता है तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी वर्क हैं उनको मैं फटक से मैनेज कर लूँ। तो अभी यहाँ पर मेरी टू डू लिस्ट में था कि आज ये जोशी जी वाली अलमीरा का जो पोर्शन है मैं इसे क्लीन कर दूँ। तो ये मैंने हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, तो ये 3 पीस आए थे, मैंने 3 अलग अलग जगहों पर इसको अरेंज किया है। एक में अंडरगारमेंट्स डाल दिए, एक में सॉक्स डाल दिए। इसके अलावा मैं प्लास्टिक की बास्केट परचेज़ कर ली थी मार्केट से, जिसपे चीज़ों को अलग अलग सेग्रेट
एडिट करके रखना आसान होता है। जैसे ये बास्केट आप देख रहे हैं, इस पे मैंने सारी जीन्स को फोल्ड करके रख दिया, दूसरी बास्केट पे हमने टी शर्ट्स को रख दिया, आराम से बाहर निकाला और इस पे आराम से ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, जिस भी कलर की चाहिए प्रॉपरली आप उसको निकालिए, बाकी कपड़े नहीं गिरेंगे और ये ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है। तो अभी यहाँ पर देखिए खाली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से मैंने जितने भी स्वेटर्स, वुलन जैकेट्स वगैरह थे सब कुछ हटा दिया है। फरवरी एंड होने को है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी वेदर अभी डिस्टर्ब हुआ, प्रिडिक्टेड था बारिश का, तो थोड़ा सा हल्की ठंड रहेगी, बट भारी कपड़ों की अब ज़रूरत नहीं होगी, तो इनको मैं संभाल रही हूँ, क्योंकि छुट्टी छुट्टी के दिन ही ना टाइम मिल पाता है। तो आज के संडे के बाद फिर अगली छुट्टी तो शायद शिवरात्रि की होगी 7-8 मार्च में, तो उसके तभी फिर ये टाइम निकलेगा इस एडिशनल काम के लिए। बाकी दिन तो स्कूल रहता है, तो शाम को आके डेली रूटीन के भी काम रहते हैं। तो हमने ये स्वेटर्स वगैरह अरेंज कर दी। तो मुझे मालूम रहता है कि कब कब मेरे पास जब जब छुट्टी है, संडे है उस संडे को मैं प्लान करके चलती हूँ। हाँ, मंथली जो भी हमारे ऑफ आने होते हैं तो प्री प्लान करके मैं कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को निपटाऊंगी, या मार्केट का काम है या कहीं जाना है, तो फिर आप वर्किंग है तो ऑब्वियसली हम छुट्टी के अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को प्लान करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सारे स्वेटर्स और ये जो वुलन्स थे इनको उठा करके कर दिया अलग, ये सब वॉश करके रखे मैंने अलग थे कि अब इनको यूज़ में ना लाया जाए, ताकि हम इनको जिस दिन मुझे टाइम है, फ्री है, मैं इसको जल्दी से संभाल दूंगी, ताकि अलमीरा खाली हो सके। अदरवाइज़ ना वुलन कपड़े बहुत भारी और मतलब मैसी सा कर देते हैं पूरे घर को, और ये विंटर तो बड़ी बेकार इसीलिए लगती है। तो एनी हाउ, बहुत सारे काम आप तभी निपटा पाते हैं जब आप प्री प्लान करके चलते हैं, और काम करने में कितना टाइम लगेगा एक लमसम आइडिया हमें होता है जब हम उस काम को रूटीन बेसिस पे कर रहे हैं, और हर बार ही इन कामों को करना है तो हमें पता होता है इसमें इतना टाइम लगेगा एक लमसम आइडिया लेके। तो अकॉर्डिंगली मैंने भी चीज़ों को प्लान करके रखा था कि ऐसे ऐसे मेरे को ये सारे काम निपटाने हैं। तो इसको ना मैं सेपरेटली बैग बना के रख देती हूँ। तो इस तरह के कॉटन के कपड़े वाले बैग आते हैं, वो 150 से 200 तक मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो जब समर रहता है तो विंटर के इसमें डाल देती हूँ, और फिर ये बैग खाली होंगे तो फिर उसमें समर टू विंटर, विंटर टू समर एक्सचेंज होता रहता है। तो अभी गर्मी के कपड़े ना ज़्यादा स्पेस तो लेते नहीं, हल्के रहते हैं, तो 2-3 बैग इधर एक्स्ट्रा पेयर में रहते हैं। तो मैंने दीवान पर डाला हुआ था, ये बैग हमने निकाले, इसमें डाल दिए सारे स्वेटर्स, और एक में हमने भर दिए कुछ जैकेट्स जो काफ़ी हैवी, 2-3 बड़ी सी जैकेट्स हैं, उनको सेपरेटली प्रॉपर फोल्डिंग फॉर्म में मैंने पीछे भी किसी वीडियो में शायद आपसे शेयर किया था, दीवान में सेट कर देंगे। तो ये बैग हो गए हमारे रेडी। इसके साथ साथ मैं मृदुल को साथ में बिठाई हुई थी, अब उसके एग्ज़ाम आने हैं, तो मैं उसको बोल रही थी आप रिविज़न करो, मैं सुनती भी जा रही हूँ यहाँ से, तो दोनों काम साथ में होंगे, क्योंकि इवनिंग में भी ना और चीज़ें थी, मैं उसके साथ बैठ नहीं पाऊँगी। तो इसके बाद हम हो गए रेडी, और हमें जाना था, पड़ोस में ही लेडी संगीत का प्रोग्राम था, शादी थी, तो ज़्यादा दूर तो मैं भी प्रेफर नहीं करती बच्चों के साथ, बट बगल में ही है तो जाना होता है। तो हमने जल्दी से गिफ्ट दिया और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे में ही रिटर्न हो गए थे, और जल्दी से आके चेंज किया, और उसके बाद हम निकल गए थे लोकल मार्केट, क्योंकि जोशी जी का था ऑफिस तो वो आते हमें ले जाते, टाइम लगता, तो हमने ऑटो ले लिया और हम ऑटो से चले गए मार्केट कि मृदुल का ज़रूरी सामान लेना था। एक्चुअली इसके शूज़ पूरे ख़राब हो चुके थे, ट्राउज़र थोड़ा सा छोटा होने लगा था, वो सब सामान लेना था, तो इसलिए मृदुल को लेके गई। वहाँ से आई, उसके बाद मैं इवनिंग अपनी प्रिपरेशन करके गई थी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए काम तो हमारी लाइफ में रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्री प्लान कर लेते हैं और अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ टास्क हम कर भी लेते हैं और हम इरिटेट नहीं होते हैं। अदरवाइज ना समझ नहीं आता, सब बिल्कुल हॉचपॉच बोलते हैं ना, वो हो जाता है बिल्कुल सिचुएशन। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन मोस्ट ऑफ कंडीशन में कई बार मेरे साथ भी आती है, अगर मैं बिन प्लान के चीज़ें करती हूँ तो, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो घर आकर के ये सारी सब्जियाँ मैंने प्लेस कर दी हैं, गाजर से भी ये जो थ्रेड बदा रहता है इसको हम खोल के फैला देंगे, और जो डायरेक्ट खाने वाली सब्जियाँ हैं या फ्रूट हैं, जैसे टमाटर हमारा होता है, तो आजकल किस हर चीज़ में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, दवाएं बहुत ज़्यादा डलती हैं, तो इसको एक बार मैं वॉश कर लेती हूँ और अगले 10 मिनट के लिए इसको मैं डिप करके रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर एक कोई भी आइटम लेकर के कटोरी, या यहाँ पर मैंने रख दिया है ये चिमटा भाई सिंपली, और इस पे पानी आराम से हमारा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सब हट जाएगा। ये मिर्च मैंने साइड में काट के रख ली है, बढ़िया से छोंक देंगे, बढ़िया सा टेस्ट इसका आता है। आटा वाटा मैं सब कुछ करके गई थी, बस रोटी बनानी है, तो इसलिए मैंने फटाफट से सब्जी पहले संभाल ली। और ये देखिए अंगूर मैंने डिप करके रखा था, एक वॉश करा और दूसरा फिर मैंने पानी भर के रखा, देखिए कितना गंदा पानी हो गया है।
यू कैन अंडरस्टैंड। तो कभी भी डायरेक्ट मत खाइए इसको। तो मेन चीज़ मिट्टी तो जो भी है, बट दवाइयाँ उस पर लगी रहती हैं बाहर से, जो कि रियली वेरी डेंजरस, हमें पता है, आपको पता है। तो इसको रनिंग वाटर में एक बार डिप किया, पहले वॉश कर लिया, फिर डिप करके छोड़ा 10 मिनट, उसके बाद रनिंग वाटर से फिर से वॉश कर लिया। इसको हम प्रॉपरली बास्केट में अरेंज करके रख देते हैं। तो ये ना बच्चे डायरेक्टली उठा के खाते हैं। तो ऐसे फल जैसे संतरा है, उसको तो छिलके खाना है, तो उसको इतना वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वॉश है, क्योंकि छिकल तो हट जाना है। अभी यहाँ पर संतरा, क्योंकि आज थोड़ा सा ना सस्ते थे तो एक साथ ले आए थे हम, तो एक बास्केट में ज़्यादा है, तो अभी मैं यहाँ पर वापस डाल रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये संतरे थोड़े हैं ज़्यादा, तो अलग अलग बास्केट्स बहुत हो जाती हैं, तो मैं इसी पे एप्पल भी डाल दूँगी। तो मैं आधे संतरे रख दे रही हूँ और आधे एप्पल रख देंगे हम फ्रिज में, जब ये यूज़ हो जाएंगे तो तब मैं फ्रिज से वाले निकाल लूँगी। तो अभी ये मेरी जो भी फ्रूट्स थी, वेजिटेबल्स थे मार्केट से लाए हुए, वे सारे हो गए हैं प्रॉपरली अरेंज। और तो मेरा ये 8, 7:30 तक सारा काम निपट चुका। मॉर्निंग की तैयारी प्रिपरेशन रहती है तो मॉर्निंग ये टाइम तो होगा नहीं, तो मैंने ये सारा काम अभी निपटा लिया है और मॉर्निंग की वेजिटेबल भी करके रख ली। कर पनीर है, ये बॉक्सेस मैंने लिए थे, अब मुझे याद नहीं कि मैंने मीशो से लिया था कि फ्लिपकार्ट से लिया था, शायद फ्लिपकार्ट से ही, मेरी 80% शॉपिंग तो फ्लिपकार्ट से चलती है। तो ये प्लास्टिक बॉक्सेस हैं, ठीक ठाक सी क्वालिटी है प्लास्टिक की, और 280 के समथिंग मुझे 4 बॉक्सेस साइज मिले थे। इसके अंदर से ये नेट प्रोवाइड किया है, थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट दे करके इसमें, तो जो एक्स्ट्रा अगर इसमें मॉइस्चर है भी सब्जी का, आप जब वॉश करके रखते हैं। तो मैं धनिया पत्ता को न्यूज़पेपर में रैप करके इसमें रख देती हूँ, तो एक हफ्ते तक एज इट इज़ रहता है 100%। और हरी मिर्च है, इस तरह की चीज़ें आप वॉश करके उसका पानी सुखा लीजिए और रख लीजिए। धनिया पत्ता और पुदीना मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि वो गीला होगी तो ख़राब हो जाता है, उसको मैं एज इट इज़ न्यूज़पेपर में रैप करके इस पर रख देती हूँ, जब यूज़ करना डायरेक्टली चीज़ें मैं धोती हूँ। तो पुदीना पत्ता जनरली मिल नहीं पाता, तो वो 15-15 दिन तक भी ना इसमें फ्रेश बना रहता है। मैं तो यही करती हूँ, एक बार ले आती हूँ, हर बार नहीं मिलता है, तो वो अगले 15-20 डेज 2 गड्डी ले आओ, थोड़ा सा ही चाहिए चटनी के लिए। अभी हमने ये सुबह के लिए काट ली है गोभी। मॉर्निंग में जो भी कुछ बनना रहता है ये प्रिपरेशन मैं शाम को ही कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना रूटीन के बाकी सारे टास्क हैं और 7:30 तक खुद मुझे रेडी होकर के निकलना है, तो वो तभी स्मूथली रन कर पाएगा जब मैं ये सारी चीज़ें प्री प्लान और प्री प्रिपरेशन के साथ में चलूँगी। और ये जो बॉक्सेस हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं तो इसमें वेजिटेबल कट करके रख रही हूँ, बट मेनली जैसे हरी मिर्च है, सब्जियाँ हैं या ग्रेप्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो इसमें फ्रेश बने रहते हैं, वॉश करके आप उनको सुखा लीजिए, उसके बाद ये ख़राब नहीं होंगे, फ्रेश रहते हैं। 4 बॉक्सेस का सेट ये मुझे रिसीव हुआ था फ्लिपकार्ट से, काफ़ी अच्छा और यूज़फुल है। देखिए, एक में मैंने रखा है धनिया पत्ता, इस पे वेजिटेबल कट करके रख ली, एक पे मैंने हरी मिर्च डाल के रख दी थी पोंछ के। तो अभी सारा काम निपट चुका, डिनर भी हो चुका और अब हम भी चलते हैं गुड नाइट के लिए। तो ये था मेरा सिंपल सा प्रोडक्टिव संडे रूटीन, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीक कम्प्लीटली हैसल फ्री रहे और काम स्मूथली हो सके। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।